त्रिकुल पतंगा भाई। तो गाइस आप देख रहे हो मेरा हाथ पकड़ ली थी, छोड़ ही नहीं रही थी। नमस्ते। ओके गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कि सैनी की तरफ एंड मीट माय फ्रेंड गुड गाय। वी आर नाउ ब्रदर्स लाइक ए फैमिली एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग गाइज, तो स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवेंचर विद अंकित। तो अभी मैं हूँ एक सिटी जिसका नाम है रोहनगिरी और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ आगे घिसियनी की तरफ, कीबू लेक की तरफ। और मैं यहाँ पर दो दिनों तक रुका इस गेस्ट हाउस में जिसका नाम है अमरहारो गेस्ट हाउस। यहाँ के लिए मैं $12 पे कर रहा था। ये गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, फिर निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके बस स्टॉप की तरफ। तो आपसे फिर मिलते हैं बस स्टॉप में। I'm Jaspreet, I'm Congolese and nice to meet you, namaste। ओके गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कि सैनी की तरफ एंड मीट माय फ्रेंड घिसियनी जाऊंगा, वहाँ पर इनके भाई मुझे होस्ट करने वाले हैं। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। तो गाइज ये फाइनली हम लोग का बस आ गया है। रिक्टो यहाँ की फेमस कंपनी है, बड़े बसेस चलते हैं उधर, छोटे बसेस है कुछ कुछ। और मैं इसी से जाऊँगा, इसके लिए मैंने पे किया है 1300 फ्रेंक, जो कि 100 रुपीज़ होता है। इंडा से कंपेयर किया जाए तो बसेस चीप नहीं है लेकिन बराबर पे है। और ये हम लोग का बस। और भाई मैं अभी हूँ मुसांजे के बस स्टैंड पे और यहाँ का बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है। आप देखो अभी मैं जाने वाला घिसियनी लेक कीबू की तरफ, जो कि लेक कीबू बहुत ही प्यारा है। कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको कहते हैं ना, उसके बॉर्डर पे लेक कीबू पड़ता है और वहाँ पर जाने वाला हूँ भाई। मैं आपको अपने एक पहले होस्ट से मिलाने वाला हूँ, तो बी रेडी फॉर मीटिंग द होस्ट। गाइज तो आप देखो कि मौसम कैसे बदल रहा है यार। उधर थोड़ा थोड़ा ठंड था बट इधर जैसे ही बॉर्डर के साइड पे आ रहे हैं ना घिसियनी साइड पे, तो भाई इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है भाई। मैंने जैकेट लेके आया हुआ, तो अभी कुछ देर में जैकेट निकालूंगा। आप देखो बादल कितना सामने लग रहा है, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई। तो वाकई भाई रास्ता बहुत खूबसूरत है, जो भी कहो। तो गाइज फाइनली मैं घिसियनी बस स्टॉप पे पहुंच गया और अभी मेरे दोस्त जिनसे मैंने आपको मिलाया पीछे वीडियो में, जोस्पिन, उनके भाई आ रहे हैं मुझे लेने के लिए बस स्टॉप। कुछ देर में वो आएंगे और मैं उन्हीं के साथ रहने वाला हूँ घिसियनी में बेसिकली 2 से 3 दिनों तक। और भाई यहाँ का बस स्टॉप देखो कितना क्लीन है और कितना प्यारा है भाई, लग ही नहीं रहा है कि आई मीन अफ्रीका। $10 भाई। तो गाइस आप देख रहे हो मेरा हाथ पकड़ ली थी, छोड़ ही नहीं रही थी। वो मेरे को कह रही है कि मैं तुमको लाइक करती हूँ, $10 दो भाई। तो यहाँ पर रवांडा में भाई ये लोग पठान और शाहरुख खान के बहुत बड़े फैंस हैं भाई। देख रहे हो ये लोग को हिंदी नहीं आता फिर भी हम लोग साथ में पठान मूवी देख रहे हैं, तो से आई टू माय ऑडियंस। तो एवरी रवांडन इज ए फैन ऑफ पठान, शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, राइट। तो सोचो भाई इनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आता फिर भी ये कितने बड़े फैन हैं। तो गाइज आप जैसे ऐसे चलोगे ना रोड्स पे तो इस टाइप के पीछे आपके पीछे बच्चे पड़ जाएंगे जो कि बस पैसा मांगेंगे आपसे और कुछ नहीं, तो इनसे बच के रहो।
और ये मेरे फ्रेंड है यार वेलकम आई एम डैन गेंजी फ्रॉम रुवांडा या या दिस प्रेस यू आई इन इट्स कॉल्ड बुगांगारी बुगांगारी राइट इट्स बुगांगारी राइट तो गाइस अभी मैं जिस प्लेस में उसका नाम बुगांगारी है और अभी मैं जोस्पिन भाई के आंटी के यहाँ जा रहा हूँ तो ये मुझे वहाँ छोड़ देंगे इनको देखो Right, so you're welcome on the channel of my friend Akimi. So now we do like a tour in Gisenyi. So now we are in Bugangadar. So now right now we are reached at in the village, which is so impressive. तो गाइज आपने देखा कि अभी हम लोग इधर गांव साइड आ गए हैं तो आप पूरा पूरी डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर रोड्स कच्चे हैं और घर थोड़े छोटे छोटे हैं तो अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं उससे भी जा सकते थे बट इस रास्ते से जा रहे हैं ये मुझको दिखाना चाहते थे कि इधर गांव भी है तुम देख सकते हो शुक्रिया Guys, meet my friends, Danny. Yes, sir. जो कि मुझे हेल्प करेंगे अभी यहाँ पर एक्सप्लोर करने में किबू लेक की तरफ हम लोग जा रहे हैं एंड वन अदर फ्रेंड हिज नेम इज जूनियर या तो ये लोग मुझे अभी हेल्प करेंगे यहाँ पर किबू लेक को एक्सप्लोर करने के लिए और आज मेरे साथ बहुत सारा चीज़ हुआ भाई पहले मैं आया रवांडा तो जोस्पिन भाई ने मुझे गिसियनी में अपने आंटी के यहाँ रुकने के लिए बोला था तो फिर उनकी आंटी अवेलेबल नहीं थी वो चर्च चली गई फिर उन्होंने अलग अरेंजमेंट किया फिर जाके जूनियर भाई के घर पे मैं अभी रुका हुआ हूँ एज ए होस्ट जूनियर भाई मेरे को होस्ट कर रहे हैं तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा दिखता है घर एकदम वेल अरेंज्ड है एकदम अच्छे लग रहे हैं इगासे 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 या तो गाइस ये यहाँ का कोई स्कूल है जिसको इगासे नाम से जाना जाता है तो भाई देखो यहाँ के स्कूल्स भी कितने क्लीन हैं और वेल अरेंज्ड है हमारे इंडिया की जैसे ही है और उधर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि दिख नहीं रहे होंगे तो ये यहाँ का स्कूल है तो भाई वेल अरेंज्ड है यहाँ का भी स्कूल भाई इधर देखो एक तरफ रवांडा में और अगर थोड़ी दूर एक किलोमीटर आप जाओगे कोंगो तो वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई है वेल अरेंज्ड नहीं है तो भाई ये डिफरेंस है रवांडा और कोंगो में अफ्रीकन कंट्रीज़ को सीखना चाहिए रवांडा से सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लेक किबू की तरफ और मेरे दो दोस्त हैं साथ में यहाँ के लोकल है जो कि मुझे किबू एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहे हैं और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे ही है स्ट्रीट से किबू लेक मेन स्ट्रीट यही है जिससे हम लोग किबू लेक की तरफ जा सकते हैं तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊँगा कि किबू लेक कितना प्यारा है किबू लेक बोला जाए तो बहुत बड़ा है काफ़ी बड़ा है और ये बाउंड्री शेयर करता है कोंगो से मेनली और रवांडा से मेनली और बोला जाए तो बुरुंडी जो कंट्री है ना उससे बड़ा हुआ किबू लेक और भाई शाम के 5:30 बज रहे बच्चे 5:30 बजे घर आते तो इधर स्कूल्स में छुट्टी बहुत ही लेट से होता है दिस वन इज और भाई आप देखो कि यहाँ पर अफ्रीका में हर एक कंट्री में इंडियन बाइक सबको मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ सामने आपको TVS का बाइक दिख रहा होगा एयरटेल कंपनी जो कि आपको दिख रही होगी तो पूरा इंडियन का कंपनी जो है ना भरा पड़ा है यहाँ पर पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है मार्केट इंडियंस कंपनी ने देखो यहाँ पर आपको एयरटेल के होर्डिंग्स दिख रहे होंगे तो गाइज ये यहाँ का सिटी सेंटर है बेसिकली और इधर देखो आप बिल्डिंग्स अभी भी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं तो देखा जाए तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट डेवलपिंग कंट्री है अफ्रीका में और दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो बगल में ही देख लो कोंगो भाई उसकी हालत इतनी ख़राब है कि दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही लड़ाइयाँ हो रही है बट इन रवांडा भाई डेवलपमेंट पूरा जम के हो रहा है भाई यस यस तो अच्छा को मेजनो ने वो तेरा प्लेस या चु यूमुंस ने त्येमो मुशित्सो आ चु यूमुंस है तो गाइस यहाँ पर लाइब्रेरी भी है और उसके बगल में ये एकदम पीसफुल सा एकदम पार्क टाइप बना रखे हैं ये लोग तो आदमी जब ज़्यादा थकवक जाता है ना तो जिनको रिलैक्स करना है वो यहाँ पर आते हैं भाई आप देखो कितना बढ़िया सजाया हुआ है यहाँ
और ये भाई बता रहे थे यहाँ कपल्स भी आते हैं. तो भाई फाइनली हम लोग किबू बीच की तरफ यानी किबू लेक की तरफ पहुँचने वाले हैं. यू कैन सी द बोर्ड किबू बीच. और अगर आप आगे कुछ जाओगे तो DRC का जो बॉर्डर है वो भी आपको मिल जाएगा और आपको सामने प्यारा सा सनसेट अभी देखने को मिलेगा. उसके बाद फिर हम लोग अभी जस्ट किबू लेक पहुँचने वाले हैं. फिर मैं आपको दिखाता हूँ किबू लेक कितना प्यारा है यहाँ का. और जो आपको ये रास्ता दिख रहा नहीं है सामने वाला, ये DRC बॉर्डर की तरफ जाता है. कुछ दूर जाने के बाद बॉर्डर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है बस. और आप यार देखो खूबसूरती कितना मस्त प्यारा सा सजाया हुआ. ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं कोई अफ्रीकन कंट्री में हुई नहीं, ये लाइक दुबई और एनीथिंग एल्स मुझे लग रहा है. तो गाइज ये लोग लेक के बगल में भाई मस्त से सजा के रखे हुए हैं. देखो ये पेड़ कैक्टस, दिस इज कैक्टस. या भाई कितना बड़ा है, हाउ बिग इज दिस. भाई देख रहे हो कितना बड़ा कैक्टस का पेड़ है यहाँ पर, इतना बड़ा भाई. एंड सामने आपको दिख रहा होगा ये प्यारा सा नज़ारा जो कि लेक किबू का है. और इसके पीछे जस्ट आपको DRC का पहला सिटी मिलेगा जिसका नाम है गोमा. दिस इज ऑल्सो DRC राइट हम लोग पहुंच चुके हैं किबू आइलैंड. और आप देखो यार यहाँ की खूबसूरती कितनी जबरदस्त है. और वो जो आपके सामने सिटी दिख रहा है वो है DRC में पड़ता है. तो सामने ही बॉर्डर है भाई. एक तरफ देखो इतना वेल अरेंज सब कुछ है. अगर आप इसके दूसरी तरफ जाते हैं कोमा में तो भाई वहाँ पर फुल ऑफ करप्शन भरा हुआ है. तो भाई ये है लेक किबू के कुछ नज़ारे. और इधर आप देखो तो इधर पे बच्चे जो है स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्योंकि हमारे जैसे इंडिया में होता है ना कि बीचेस तो नहीं, हम लोग के स्विमिंग पूल्स बने होते हैं, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल्स नहीं है. तो भाई ये लेक के बीचों बीच यानी साइड पे ही ये लोग स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं. उधर नाव है जिसका मैंने प्राइस जाके पूछा तो वो लोग बता रहे हैं कि 5,000 Rwandan franc लगेंगे. तो मैं स्क्रीन पे नीचे मेंशन कर देना कितने होते हैं 5,000 Rwandan franc. तो भाई आप देख सकते हो कि बीच के साइड में भाई यहाँ फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज है. अफ्रीका में हर कोई फुटबॉल खेलता है. आप देख सकते हो कि यहाँ बगल में फुटबॉल और उसके बाद उधर बगल में वॉलीबॉल चल रहा है. भाई पूरा क्रेज़ भरा हुआ है बालू में भाई. फुटबॉल भाई एनर्जी स्टेमिना देख रहे हो. और अभी मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए वॉलीबॉल, देखता हूँ वो लोग मानते हैं तो भाई आप देख सकते हो कि ये लोग अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं. भाई मैं भी थोड़ा पूछने का ट्राई करता हूँ कि मैं क्या खेल सकता हूँ. अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं और इनका अभी मैच चल रहा है. तो जैसे हम लोग के इंडिया में पैसा वाला मैच नहीं चल रहा है तो वैसा वाला मैच चल रहा है. तो इनसे मैंने बात की है, थोड़ी देर बाद ये लोग बोले कि मैं खेल सकता हूँ, देखता हूँ अगर खेल पाऊँगा तो दैट्स गुड फॉर मी. तो भाई आप लोगों के साथ एक मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ. ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है सामने, तो वो जो उधर एक आदमी है दूर में वो जस्ट अभी इधर उधर वॉक कर रहा था. ये कपड़ा इंडियन का है भाई और तब से वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था. तो हम लोग यहाँ के खड़ा हुए, फिर उस इंडियन को मैंने बुलाया और फिर बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो आपका कपड़ा चोरी करना चाहता है. तब जाके फिर हम लोग यहाँ खड़ा है. वो स्विम कर रहे हैं, देखो जैसे कि वो स्विम कर रहे हैं उधर पे और हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो भाई चोरों से बच के रहो हर जगह पे. हेलो